जिंदगी वाओ जिंदगी वाओ जिंदगी वाओ वाओ जिंदगी गेट अप थोड़ा बेटर हो वाओ जिंदगी पर्सनालिटी का जब मैटर हो वाओ जिंदगी फैशन ही फैशन से भरी वाओ जिंदगी लाइफ में अपनी स्टाइल हो वाओ जिंदगी लाइफ में बैलेंस रिदम हो कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी इम्प्रेसिव जो स्टाइल हो वाओ जिंदगी होम इंटीरियर साइड हो वाओ जिंदगी फैमिली संग हो आउटिंग भी मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो वाओ जिंदगी फैशन ग्लैमर लाइफस्टाइल वाओ जिंदगी The purpose of fashion is not to exaggerate, nor it is to undermine the basic civility. भला कौन खुद को फैशन के नाम पे कैरिकेचर बनाना चाहेगा और कौन नहीं थोड़ी देर के लिए ही सही सेलेब्रिटी जैसी फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहेगा व्हाइल बीइंग अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपनी आउटफिट्स एंड स्टाइल के जरिए वेलकम टू आवर फैशन एंड लाइफस्टाइल शो वाओ जिंदगी फैशन ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल चलिए बात करते हैं हमारे आज के हेयर एक्सपर्ट नील तलवार से। Today she has come to me for a party look and आज इन पे हम एक सेलिब्रिटी स्टाइलिंग करने वाले हैं which is beach waves. Okay. And it goes really well with the evening gowns. And my favorite product for this styling is the salt spray I use. बिकॉज इनके बाल इतने पतले हैं कि कर्ल्स करते ही एक दो घंटे में खुल जाते हैं तो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ ग्रिप टू द हेयर टेल अस द प्रोसीजर हर कोई इसे घर पे भी कर सकता है एवरीबॉडी हैज आयरन वॉन्ड एट होम सो मेरे पास 28 mm का वॉन्ड है जस्ट अपना वॉन्ड लिया आपने एंड पिंच द हेयर लाइक दिस ये टेक्निक उसके लिए है जब आप किसी और पे कर रहे हो खुद के लिए थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा कितने देर तक इसको ऐसा रखना है जब मुझे फील होता है कि बाल अच्छे से बेक हो गया है गर्म हो गया है देन आई विल लीव इट कर्ल्स नहीं है ये दीज विल कम आउट एज zigzag waves तो जब तक ये गर्म है तब तक मैं इसको क्लिप करके रखूँगा इससे इनका लास्टिंग बढ़ेगा इसी तरीके से मैं ये पूरा हेड कवर करने वाला हूँ What are the home remedies? So, मैं नॉर्मल हेयर से स्टार्ट करता हूँ सो नॉर्मल हेयर उसको बोलते हैं हम जो कि नॉर्मल स्कैल्प जिनका हो दो से तीन दिन में वॉश करते हो एक बार तो दैट्स अ नॉर्मल ऑयल सिक्रीशन इस टाइप के हेयर के लिए लेट्स से अगर आपको घर पे एक हेयर मास्क बनाना है यू कैन टेक वन होल एग एंड टेक सम एडिबल मेयोनीज एंड यू जस्ट मिक्स इट एंड अप्लाई इट्स एज सिंपल एज दैट मेयोनीज के अंदर फायदेमंद फैटी एसिड्स होते हैं इसका फ्रीक्वेंसी जो रहेगा हफ्ते में एक बार क्योंकि नॉर्मल बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है तो हफ्ते में एक बार विल डू द ट्रिक Then let's come to the dry hair or damaged hair या जो लोग कलर बहुत ज़्यादा करवाते हैं सो उनके बालों में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा पोरस होते हैं पोरस मीन्स कि आपने बालों को गीला किया और वो फटाफट सूख जाते हैं कभी भी आप हेल्दी बाल देखोगे तो वो सुबह हेड वॉश करते हो दोपहर तक नहीं सूखते हैं इफ़ यू डोंट ब्लो ड्राई इट राइट हेयर मास्क इनके लिए भी सिमिलर रहेगा वी विल यूज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारा बेस मेयोनीज का ही रहेगा एंड उसके साथ एग येलो यूज करेंगे एग येलो इज रियली हाई इन फैटी एसिड्स अगेन ओमेगा 6 एसिड जो है वो मेयोनीज से हमें मिल जाता है सो इसका फ्रीक्वेंसी हम हफ्ते में दो बार रखेंगे देन लेट्स कम टू द वे यू हैंडल योर हेयर एवरी डे स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू ऑफिस एंड हु आर वर्किंग व्हेन यू आर स्लीपिंग एट नाइट पुट इन सम लिटिल बिट ऑफ वाटर इन योर हेयर रिंस इट जेंटली नॉट टू मच Put in some salt spray and you make some braids. चाहो तो 4 braid बना सकते हो चाहो तो 10 से 12 braids बना सकते हो एंड सुबह उठ के उसको खोल दीजिए सो यू विल हैव अ वेरी नाइस बीच वेव्स काइंड ऑफ टेक्सचर इन दैट केस एज वेल शैम्पू डायरेक्टली लगाने का जरूरत नहीं होता है शैम्पू वन पार्ट शैम्पू एंड वन पार्ट वाटर If you dilute it and you then use it, work भी अच्छे से होगा वो फैलेगा भी अच्छे से वो ज़रूरत भी उसे उतने की ही है Before you putting up the mask, if you can towel dry the hair,
सो दैट बाल गीले हैं लेकिन ड्रिप नहीं कर रहे हैं, देन यू यूज द मास्क, दैट्स बेटर, क्योंकि मास्क को पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा। 3 से 4 सेक्शन में मोटे मोटे स्कैल्प को छोड़ के 2-2 इंचेस फ्रॉम द स्कैल्प आप मास्क अप्लाई कर सकते हो। एवरेज मास्क को लीव करने का टाइम जो है दैट इज अराउंड 4 मिनट्स 3 मिनट्स, दैट्स गुड इनफ। बट एक हॉट ऑयल मसाज करना एक हफ्ते में या मे बी 2 हफ्ते में एक बार इज गुड। नॉर्मली लोग कोकोनट ऑयल प्रेफर करते हैं विच इज़ प्रिटी डिसेंट, एंड ऑलिव ऑयल, और कुछ लोग देसी घी भी लगाते हैं, सरसों का तेल भी लगाते हैं। सो ये सारे के सारे एडिबल ऑयल्स हैं एंड इनमें पेनिट्रेशन इतना हाई नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप सिर पे ऑयल लगा रहे हो तो आप ऑयली फील कर रहे हो, तो मतलब पूरा ऑयल पेनिट्रेट नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू यूज लेवेंडर एक्सट्रैक्ट ऑन योर स्कैल्प, उसके कई फायदे हैं। वन, वो आपको स्कैल्प को डिसइंफेक्ट करता है, तो जितने भी बैक्टीरिया या फंगस प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है। दूसरा, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। तीसरा, ये एसेंशियल ऑयल है तो ये 100% पेनिट्रेट करके अब्जॉर्ब हो जाता है, तो यू विल नॉट फील लाइक कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा केराटिन एंड स्मूथनिंग करा रहे हैं। तो केराटिन एंड स्मूथनिंग ये टेक्सचर सर्विसेज हैं, सो वी ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनको लगता है केराटिन हर चीज़ का सोल्यूशन है, विच इज़ नॉट ट्रू। स्मूथनिंग, अगर आपको बाल स्ट्रेट चाहिए एंड 7 से 8 महीने तक स्ट्रेट चाहिए तो यू गो फॉर स्मूथनिंग। केराटिन, अगर आपके बाल ड्राई हैं, आपके बाल फ्रिजी हैं, तो आप केराटिन करवा सकते हो। केराटिन नाम कहाँ से आया है? इट्स बेसिकली अ प्रोटीन इन हेयर विच कंप्राइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर, सो दैट्स वेयर द नेम हैज़ कम फ्रॉम। एसेंशियली केराटिन प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन केराटिन, इट हैज़ इंग्रेडिएंट्स विच रिपेयर द केराटिन ऑफ द हेयर, सो दैट्स हाउ द केराटिन वर्क्स। बट हाँ, इससे बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं तो जिनको कर्ल्स पसंद है अपने वो भी इसे करवा सकते हैं, जिनको बालों का वेव्स पसंद है वो भी इसे करवा सकते हैं। वॉल्यूम इससे बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, स्मूथनिंग से कंप्लीट वॉल्यूम फिनिश होके मिनिमाइज हो जाता है, बाल एकदम स्लीक हो जाते हैं। तो सबसे पहला थेरेपी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ फॉर डैंड्रफ। तो सबसे पहले फेनुग्रीक सीड पाउडर या मेथी दाना पाउडर, इसके हम 3 चम्मच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश टमेटोज, एकदम लाल टमेटोज का मैंने प्यूरी बना के रखा है, तो इसके भी 4 चम्मच। एंड देन एक पूरा लेमन, एक पूरे लेमन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 टेबलस्पून जूस होता है, तो हम पूरा स्क्वीज करेंगे। अगर आपका पेस्ट बहुत थिक बन रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी मिला सकते हैं। इसको लगाने से पहले रीठा पाउडर और पानी को मिक्स करके हमने रीठा वॉश बनाया है। रीठा सोपनट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो सोपनट जो है ये शैम्पू का काम करता है, तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है हमारा ऑर्गेनिक रहेगा। आप इसे डैंड्रफ के केस में यूज करते हो तो ये डैंड्रफ बहुत अच्छे से हटाता है। 20 से 25 मिनट तक छोड़ेंगे और उसके बाद इसे रिंस आउट करना है, इसके ऊपर शैम्पू नहीं करेंगे। फाइनल स्टेप है कि हम बालों को थोड़ा शाइनी और नरिश और सॉफ्ट करें, उसके लिए मेरे पास बियर वॉश है। बियर वॉश को रेडी करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक बियर में गैस नहीं होनी चाहिए, फिज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, हम इसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर ऐड करने से इसका जो लाइफ है वो लंबा हो जाता है और आपका बियर वॉश ज़्यादा समय तक चल सकता है। इनोवेशन क्रिएटिविटी का सोर्स आखिर होता कहाँ है? बहुत सारे कहते हैं ये इनबिल्ट होता है, कुछ कहते हैं किसी किसी में राइट फ्रॉम बर्थ होता है, और मैं कहती हूँ ये अंडर सम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होता है फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड टीचर, एक्सपीरियंस्ड टीचर। क्यों? आप खुद देखकर जज कर लीजिए। What is knitwear design? Knitwear design is a program which is comprehensive in terms of creating fabric through different processes of knitting, which is an interlooping of fabric. In the practical aspect, they learn hand knitting, machine knitting, as you can see here. We also have a computerized knitting lab.
They also learn the process of the circular knitting of the finer knits, which is basically the t-shirts and you know, the lingerie that is produced in the mass market. Our students also you know, work with development of new fabrics. So as they progress in their understanding of the fabric, they work with innovation, which could be a textile innovation or a yarn innovation. Here we are using an acrylic yarn. So these are the machines which have different gauges. So this one is a 7 gauge, and some are 10 and some are 12, and there are more. So what happens, like, first we pass a thread, and this is the track. So we pass the thread, and then this is the cam setting. So to form every structure, there's a different cam setting. Then we activate these needles. So these are these needles. So we activate them regarding the how much width of the fabric we need. Fabric comes down from here, and the fabric should move downwards. So we use weight to pull the fabric down. So these are the weight. So after the weights are put or the thread is fixed, so then by the to and fro movement of this machine, we knit a fabric, and the fabric keeps forming from down. So this is a sample, like, which I was knitting at the starting. So you decide what kind of width do you want for your fabric, and accordingly you decide your needles, and then you set up the machine and you just go with it. We are taught basic structures, but then it's on us how you wanna, you know, innovate with it, create with it. So like we are taught structures like Milano, cardigan, okay. Knit rib and rib ripple, etc. Mm-hmm. So then it's all on us how you wanna combine different structures and produce something else. So here we have to teaching a compressed flat knitting. We are having a Shimasaki, one is a brand basically. We have to make a design, virtual designs, and then we have to process and then knit. Here they learn about, so from the basics, like from hand knitting, so then flatbed knitting machine, and from there they learn about the computerized knitting machines. So here, from a simple, you know, 2D fabric to a 3D garment, so how a 2D fabric is being created, and then that particular fabric is being made into a garment. So that part is also being taken care of in knitwear design department. देखा आपने, ट्रेनिंग सच में पॉलिश करती है, डायरेक्शन देती है एंड प्रिपेयर करती है टू कंट्रीब्यूट इन द फैशन इंडस्ट्री. नाउ इट इज टाइम टू नो मोर अबाउट इंटीरियर्स, होम डेकोर. I remember how my grandparents always used to like simplicity, and when once I told them to give a fresh and creative look to our interiors. Initially, they were really amazed to see all this, but up to they know that it is really important and integral part of our home. So we are today with our interior expert, Rahul Gupta. Come on, let's have a chat. Hi Rahul, how are you? I'm doing good, thank you so much. What is office interiors in your words? I find office is a place where we have to spend 8 to 10 hours of working. And it should be so energized that when we spend those 8 to 10 hours, we should feel happy. My staff should feel happy. And if we are in a happy environment, only then we can do wonders for our company. So why should we make it so boring and so, you know, very simplistic things? This ceiling looks pretty interesting. Yeah. This is a very recently launched product. This is called the stretch ceiling. This is a kind of a nylon fabric, and we have put a lot of LED lights behind the fabric inside, and they get the impression of a natural sky above. And this is a fabric which can be, it can very easily, you know, pulled out, cleaned and placed back. So this is very good, and any kind of pattern or design can be printed on these fabrics. And you have also used wooden piece there. Yeah. And with the lights itself. By nature, God has, you know, created wood and greenery together. So who are we to separate them? Okay. So that's why we have made them together here also. So they were made for each other. So some greenery and some wood is there. So my customer should feel as if he's sitting in the lap of nature.
office furniture is a furniture on which most of the times I have to spend sitting. So I have to spend 8 hours sitting on a chair. So it should be ergonomically designed. It should be so well designed that it should not, make me discomfortable. It should not make me sweat so much. So it should be airy. It should be light. Please come. So this wall, as you can see, this is called graffiti. And this wall is full of colors. Yeah. I don't think that any color is there which is not included in this wall. As the whole reception is again not very bright, the colors are very English and very subtle. So this wall is called as an element wall. Now what the frog is doing in an office? I can see the frog also smiling. So I tell my staff, okay guys, when a frog can smile, why can't you? So there is a kind of psychology behind interiors at times. So many a times interiors is not an interior, it's also psychological. By putting the virtue of these kind of frames on that dull wall, we have created a kind of element in the wall which is making this wall speak louder. We have just given these kind of aluminium products over my plain lintel, and this has saved a lot of time. Otherwise, I could have made a lot of POP ceiling which should have taken a lot of time to create, then it should have taken a lot of time to drying up. Because this cabin as we designed, this was designed for someone who was on a senior position. So we cannot make it very clumsy. So we tried this circular shape, and then we wanted to have again this energy of these planters and these small herbs, something like that. So that the room becomes very full of energy, and the person sitting in should feel good. These lights are customized. As you can see, the ceiling is very plain, but only these customized lights, they are saying it all, balancing the light as well. This is the conference room which we have created for the client. Generally, whatever chairs you must have seen in a lot of offices, they are in black colors or gray colors at times, but we have given this particular green color. And this is not again that we have only chosen the chair color, we have made a complete story. As you can see, the hint of the green color is there in the wallpaper. The same color has been taken on the PU polishes as well. So there's a hidden storage as well which we have created here. So this is the utilization of a space where we created a wardrobe for the client. There's a deep wardrobe where a lot of stuff can be kept, as you can see. So if you see the world lying in front of you every time, so yes, you get an energy, and it energizes you that you can conquer the world. अब बारी है आज के outing spot की. Guys, have you ever imagined Waste and Wonder joining hands? आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आई हूँ जिसे वेस्ट टू वंडर के नाम से जाना जाता है। सात एकड़ में बना ये पार्क दिल्ली के सरायकाले खां के इंटरस्टेट बस टर्मिनल के पास है। Wonderful replicas of seven wonders. ऐसा पार्क दुनिया में और कहीं नहीं है. This is just a fabulous place. I think everybody should visit it. And specifically Taj Mahal is the most beautiful of among them all. अभी तक भी मन नहीं भरा है. हम सुबह देख रहे थे तो कुछ और लग रहा था, अंधेरे में देख रहे हैं तो कुछ और लग रहा है. लाइटनिंग में बहुत ही अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली मेरे को सबसे अच्छा ताजमहल लगा. मेरे को भी ताजमहल लगा. ताजमहल, आईफिल टावर. ओके,
ताजमहल सारे वंडर एक ही जगह देखने को मिल जाते हैं। ग्रीनरी के साथ में कलरिंग भी है, जो लाइटिंग की है ये भी बहुत प्यारी है। आउटसाइड फैसिलिटी भी ठीक है पार्किंग की। तो यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, काफ़ी कुछ है, थोड़ा सा पीस भी है, डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरा जू का लुक है और सेवन वंडर्स तो दिखाए गए हैं, तो कुछ बच्चों को भी कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ग्रेट टू बी हियर, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ जिंदगी। ये हमारे पीछे ऐसे आप देख रहे हो पिरामिड ऑफ गीजा, ये इजिप्ट में है और काफ़ी प्राचीन है, जिससे आप काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इसकी मैथमेटिक्स के बारे में, डायमेंशंस की कैसे उस टाइम पॉसिबल था और आज इसे बहुत अच्छे से वेस्ट से बनाया गया। हमें नहीं, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि हम वेस्ट का यूज़ करके हम कितने अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स नाइस, एंड जो जिस तरह से प्रिपेयर करा है वो भी काफ़ी अच्छा है और कोई चार्जेस भी कुछ इतने ज़्यादा नहीं है कि किसी को आना अफोर्डेबल नहीं होगा। इट्स नाइस टू बी देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पे ना, स्टार्टिंग ही अच्छी है। हालांकि अभी स्टार्टिंग आप अंदर देखते हैं और कैसा है, हरियाली काफ़ी है, ग्रीनरी अच्छा है, पर यहाँ की ग्रीनरी देख के मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी जगह है। हम इधर लाल किले, इंडिया गेट, सारी जगहों पे घूमे हैं, तो दिल्ली में जितनी भी विजिट करने की जगह हैं सारी ही बहुत अच्छी हैं। एफिल टावर बहुत अच्छा, फोटो खींची। फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड करना चाहिए एक्चुअली, अपने मोस्टली पेरेंट्स के साथ। आज यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा एफिल टावर लगा मुझे, फोटोज खींचने में सबसे अच्छा पार्क है। वाओ जिंदगी। बच्चों के नॉलेज बढ़ाने के लिए हम लोगों को दिखाना है, बेटी को दिखाने के लिए हम लोग निकले थे। घूमने का घूमना, गेट टुगेदर, मस्ती और अपनी अपनी चॉइस का खाना पीना भी हो तो हम भी यही कहेंगे ना, वाओ जिंदगी। आज मैंने बहुत सारी चीजें देखी। Nothing matters much more than the ability to know how to spend this precious moment of life. Hum believe karte hain achhe values, achhi health, karma, sincerity, socially responsible and keep reinventing yourself creatively and person wise. Isi ke saath I am wrapping up today's episode. Hope you guys enjoyed. Hame likhte rahiye, hamara email ID hai wowzindagidd@gmail.com. Keep smiling, stay healthy, goodbye. Camera rolling. Wow, action. Get up, thoda better ho. Personality ka jab matter ho. Fashion hi fashion se bhari. Life mein apni style ho. Life mein balance rhythm ho. Color, pattern, beauty or design. तो लिंक हो गई है। इंटीरियर साइड हो, एकड़ में बने आउटिंग भी, मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो। फैशन, ग्रामर, लाइफस्टाइल, पाओ जिंदगी।